वेलकम बैक बच्चों, वी आर स्टडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, एक इफ सपोज कंडक्टर है तो इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम से बाइंड नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। अगर मैं बाहर से फील्ड नहीं भी लगाऊँ, बैटरी नहीं भी लगाऊँ, तो भी इलेक्ट्रॉन्स ही इधर उधर मूव हो रहे हैं विथ हाई स्पीड नियरली इक्वल टू 10^5 मीटर पर सेकंड। बट इफ सपोज मैं अब इस कंडक्टर को बैटरी लगा दूं, ठीक है, सेल एक लगा देता हूं, तो क्या होगा? एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। रैंडम मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो मॉडिफाई होता है। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के साथ ही आगे भी बढ़ने लगते हैं। इसे ही ड्रिफ्ट होना कहते हैं। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में हम आपको फाइंड करके दी थी। सो आई करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आया था आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, और ये जो वी डी है इसे मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन एन ई ए, ये हमने लिख दिया था। अब इसमें देखो नोटेशंस देखते हैं, वी डी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हैं हम इसे। आई इज करंट, ये जो स्मॉल एन है इसे आपको याद रखना है। स्मॉल एन इज चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम को ही स्मॉल एन कहते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये है। एंड इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हमने बता दिया था बच्चों आपको। अब एक काम करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ही और एक फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ करंट है, इसे मैंने और एक फॉर्म में लिख के दिया था आई बाय ए को ही क्या लिख सकता हूं मैं, जे करंट डेंसिटी जे बाय एनी, वी डी इक्वल्स टू जे बाय एनी, वेयर जे इज डेंसिटी। ये था, तो आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब वी डी को ही इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम जिसे टाउ कहते हैं वो लिख के देता हूं। एंड ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो भी मैं आगे एक कंसेप्ट सिंपल बता दूंगा। देखो, ड्रिफ्ट स्पीड इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, देखो क्या आपको ये पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, उनमें से ही एक ये है। अब इफ सपोज पहले तो नेट मोशन नहीं था चार्जेस का, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो v को मैं जीरो लिख सकता हूँ। थोड़ी देर बाद VD इतनी स्पीड हमने अचीव की, ड्रिफ्ट स्पीड इतनी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ए ही रहने देता हूँ एंड टाइम को टाउ लिखता हूँ मैं, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टी के जैसा ही सिंबल है इसका। अब देखो, इफ सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है इफ इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसके ऊपर फोर्स चार्ज इनटू फील्ड, सिंपल एक फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू फील्ड, ठीक है। एंड हमें एक और पता है, एस इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इफ सपोज मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ बाई एम करना होगा, एफ की वैल्यू कितनी है क्यू ई अपॉन एम, ये होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने क्यू ढूंढ के दी, ये एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एंड देखूंगा वी डी के लिए फॉर्मूला कितना आता है। सो वी डी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन को यहाँ से उठाओ, पुट कर दो ए की जगह, वी डी इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है। इफ अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू इज रिटन एज स्मॉल ई,
सो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ ई बाय एम इंटू टाउ। ये हमने और एक फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, इसमें दिस इज ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, ये क्या है ड्रिफ्ट स्पीड वी डी, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो, एम है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। समझो आपने 10 वोल्ट की बैटरी लाई है, ठीक है, सपोज 10 वोल्ट का आपके पास सेल है, या फिर छोटे जो सेल होते हैं 1.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे अलग अलग बैटरी आती है। तो आपने 10 वोल्ट का सेल लिया, कंडक्टर की लेंथ सपोज समथिंग है 5 मीटर समथिंग, ठीक है, या अब ये छोटी है तो हम ये 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू होती है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इससे आप निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर हम तो बैटरी जो खरीद के लाते हैं उस पर वोल्ट लिखा रहता है 1.5 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, तो हमने अब फील्ड कैसे निकालना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पोटेंशियल अपॉन लेंथ फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, वेयर एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये है। तो उससे भी रिप्लेस करके और एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एंड ये जो टाउ है ये तो पहले ही समझा हमने, टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम। तो अब आपको ड्रिफ्ट स्पीड के कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, दो, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ करंट, ठीक है, एंड करंट डेंसिटी, दूसरा इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। तो पॉज करके इस सेकंड फॉर्म को भी अच्छे से लिख लो, मैं आपको नेक्स्ट रिलैक्सेशन टाइम समझा देता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे कंडक्टर के अंदर तो वो पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहे हैं साथ में पॉजिटिव आयंस भी मौजूद है। तो द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसे ही कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो देखो इफ सपोज यहां से लेके यहां तक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कोलिजन्स हो रहे हैं अलग अलग, ठीक है, ऐसे होंगे कुछ, तो इन सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है इट इज दिस रिलैक्सेशन टाइम। अब ये निकालना है तो एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताता हूं, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे ये मीन फ्री पाथ के जितना होगा। देखो ये एक कोलिजन के लिए सपोज ये पाथ है, सपोज लैम्बडा वन लिखते हैं, लेंथ है लैम्बडा का, एक लैम्बडा मीन्स लेंथ आप समझ सकते हो, लैम्बडा वन है, फिर लैम्बडा टू, लैम्बडा थ्री, लैम्बडा फोर, तो मुझे इन सब का एवरेज निकालना होगा, ठीक है, मीन्स अलग अलग पाथ है तो सभी का एवरेज मिला के जो डिस्टेंस निकल के आएगा उसे ही मैं मीन फ्री पाथ कहता हूँ, क्योंकि पहला डिस्टेंस अलग होगा, दूसरे कोलिजन का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, कौन सा लिखना, इसमें हम उलझ गए, तो कौन सा लिखना, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मीन निकाल लो, और जिसे मीन फ्री पाथ कहते हैं वो अपॉन ये इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से ऐसे आड़ा टेढ़ा मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या ये ड्रिफ्ट स्पीड से परफॉर्म कर रहा है, नहीं, इट इज मूविंग विद आरएमएस स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आगे ड्रिफ्ट हो रहे हैं उनकी स्पीड होती है, बट एक इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव हो रहा है उसकी स्पीड होती है आरएमएस। सो मुझे लिखना होगा मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस वेलोसिटी और आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर कहते हैं इसे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इसके और डिटेल में भी देखा जाता है। सो मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस स्पीड, मीन फ्री पाथ इज रिटर्न एज लैम्बडा, मीन फ्री पाथ को ही कैसे लिखते हैं, लैम्बडा मीन अपॉन आरएमएस स्पीड को वी आरएमएस, ये आता है टाउ के लिए एक और फॉर्मूला। तो रिलैक्सेशन टाइम याद रहेगा, तो मैंने जो पहले थ्योरी बताई वो भी आपने वर्ड्स के फॉर्म में लिख लेना। अब देखो नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइन किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट स्पीड
per unit electric field. अगर मैं यूनिट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ तो डिस स्पीड कितनी होगी. सो मैं इस म्यू को ही लिख सकता हूँ वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फॉर्मूला है बेसिक सिंपल सा. अब देखो क्या वी डी के लिए आज ही मैंने इन टर्म्स ऑफ टाउ एक फॉर्मूला निकाल के दिया था. वी डी इक्वल्स टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इन टू टाउ. ये था ना फॉर्मूला. इफ सपोज मैं इस वी डी को ई से डिवाइड करूं तो क्या होगा बताओ. ये ई कैंसिल हो जाएगा. सो म्यू इक्वल्स टू वी डी बाय ई इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू टाउ. ये आता है. तो आपको ये म्यू के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो अब तक हमने तीन कंसेप्ट पढ़ाए, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, वी डी इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम वेर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम. देन रिलैक्सेशन टाइम बता दिया, इट इज मीन फ्री पाथ मीन्स जो सक्सेसिव कोलिजन है उनके बीच का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट आर एम एस स्पीड लिखनी है, एंड पाथ जो है उनका मीन ले लेना है. ये हो गया. इसका यूनिट सेकंड होता है. इसके बाद एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मोबिलिटी, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये सिंबॉल है म्यू का. इस ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ड्रिफ्ट स्पीड को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर लो. तो जो फॉर्मूला हमने वी डी के लिए टाउ के टर्म्स में लिखा है उसे ही मैं अपॉन ई करके ई बाय एम इंटू टाउ लिख सकता हूँ. ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लो. मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा. तो चलो बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. इफ द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज 5×10⁻26 पर मीटर क्यूब, फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थोड़ा मैं यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 5×10⁻⁶. ठीक है, अब देखो फॉर कैलकुलेशन ईजी होने के लिए, अब करंट की वैल्यू कितनी दी है 5 एम्पियर दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का दिया है 5×10⁻⁶, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर और चार्ज डेंसिटी इसे ही स्मॉल एन से लिखा जाता है. स्मॉल एन चार्ज डेंसिटी होती है ना, ये तो डायरेक्ट ही दी है, टेंशन नहीं, 5×10⁻26 पर मीटर क्यूब. मैंने इसका यूनिट भी पहले भी यही लिख के दिया था. तो चलो अब देखो, करंट दिया है, एरिया दिया है, चार्ज डेंसिटी दी है, ड्रिफ्ट स्पीड पूछी है. तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड इज आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. सो वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए. अब इसमें ये जो ई है इट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड ई के लिए फॉर्मूला होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम. एंड ये देखो हम पुट करते वक्त हर बार मैग्नीट्यूड वाइज पुट करते हैं, चार्ज तो निगेटिव होता है बट मैग्नीट्यूड तो सेम. जो आपने मॉड की एक्सरसाइज पढ़ी होगी, -5 का भी मैग्नीट्यूड 5 होता है, 5 का भी मैग्नीट्यूड 5. तो डैट्स व्हाई फॉर्मूला में पुट करते वक्त हम मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, मीन्स ये माइनस साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं. अब हर एक वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो देखो, आई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 5×10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6×10⁻¹⁹, एरिया कितना दिया है 5×10⁻¹⁶. देखो ये 5 हो जाएंगे कैंसल, 1/16 5 = 80, तो मैं 8 लिखता हूँ यहाँ पे, 1.6×5 = 8 × 10⁻²⁶ −19 − 6 −19 − 6 −25, तो ये आएगा 1/8×10⁻²⁶ −25. 26 − 25 = 10, तो 8×10 और 1/80 मीटर पर सेकंड. ये आ गई स्पीड, कितनी सिंपल है, 1/80 इज आंसर. तो अब मैं एक एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, 1/80 को ही ऐसा लिख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस. आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, उनमें से ही ये बताना है. देखो आई को लिख सकता हूँ मैं
100 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 अपॉन 80, ठीक है, इंटू 100 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 मीन्स 1, ये हो गया। तो एडजस्टमेंट की 10/8 1.25 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2, ये आई करंट की वैल्यू, इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, आई एक वस्तु एनी है वीडी, वीडी का फॉर्मूला, बेसिक से वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर। तो ये क्वेश्चन है, आप लिख लो अच्छे से, मैं एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन समझा दूंगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस ड्रिफ्ट स्पीड ही पूछी है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.14 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट 5 एम्पियर। कुछ वैल्यूज दी है, एटॉमिक वेट दिया है आपको 108, ठीक है, डेंसिटी दी है 7.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये अपॉन 3 नहीं दिखना चाहिए, ये ऐसे राउंड लिखता हूँ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड एवोगाड्रोस नंबर, जिसे NA से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री आना जरूरी है, तो मैं थोड़ा बेसिक आपको समझा देता हूँ, ध्यान दो इस तरफ। पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये एक फॉर्मूला पता चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, ये नंबर के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर ये होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा फॉर्मूला और एक कि डेंसिटी रो, और डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। फॉर्मूलाज को देख लो एक बार, मैं फिर इन्हें अप्लाई करके सॉल्व करके देता हूँ। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले कि इमेजिन करो, इमेजिन एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है कंडक्टर का, ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। सो अब इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास और गिवन वेट इक्वल्स टू रो इंटू वी। डेंसिटी कितनी दी है देखो, 7.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 3, तो ये होगा 7.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 3, ठीक है, के जी पर मीटर क्यूब, तो कोई टेंशन नहीं, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। सो मास कुछ इतना निकल के आया 7.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 3, ठीक है, ये आया। बट ये तो हुआ मास, हमें निकालने हैं मोल्स, क्योंकि मोल से नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन निकलेगा एंड एन बाई वी करके हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो ये थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में एन स्मॉल एन की वैल्यू डायरेक्ट दी थी, इसमें स्मॉल एन की वैल्यू गिवन नहीं, उसकी वजह से हमें इतना सारा करना पड़ रहा है। देखो अब क्या होगा, नाउ नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, 7.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 3, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 108 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3, क्योंकि ये ग्राम है, वो होता है ना एटॉमिक वेट, तो ये ग्राम का मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया।
ये हुआ। अब इस नंबर ऑफ मोल्स से क्या एटम्स निकाले जा सकते हैं, सो कैपिटल एन इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितने आए देखो, 7.5 इंटू 10^3 अपॉन 108 इंटू 10^-3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10^26। तो चलो इस कैलकुलेशन को करो क्विकली। तो चलो फिर इस कैलकुलेशन को करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.023 इंटू 10^23, गलती से शायद 26 लिख लिया था मैंने। तो देखो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन सिंपल होंगे, एडजस्टेड होंगे, जैसे इजीली कैंसिल होकर आंसर निकल के आए 1 मिनट के अंदर। इसके पहले का जैसे क्वेश्चन किया था ना, तो इसमें अब एवोगैड्रोस नंबर है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तो कैलकुलेशन थोड़े लेंथी हो गए। देखते हैं कितना आएगा। 7.5 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 108, तो ये निकल के आ रहा है 0.418, ठीक है, ये आंसर आया। इंटू 10^3 प्लस 3 प्लस 23, तो ये आएगा 0.418 इंटू 10^29 और 4.18 इंटू 10^28। ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम तो हमने पहले ही पकड़ लिया था। अब हम ऐसा सोचते हैं कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, जो लूजली बाउंड वैलेंसी समझो वन है, तो लूजली बाउंड है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आ गई। अब ये जो एटम्स है इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो चलो अब एक काम करते हैं, ढूंढ लेते हैं आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इस फॉर्मूला से वी डी को। तो वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, करंट 5 एम्पियर, तो ये 5 लिख ली मैंने। एन की वैल्यू 4.18 इंटू 10^28 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10^-19 इंटू ए कितना दिया है, एरिया की वैल्यू है 6.14 इंटू 10^-6। तो चलो फिर इस कैलकुलेशंस को करते हैं, आप भी खुदों के अटेम्प्ट करके देखिए। देखो ये होगा कुछ ऐसे, 5 डिवाइडेड बाय 4.18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 6.14, तो इसका आंसर आ रहा है कुछ ऐसे 0.0121 इंटू, अब ये मैं पावर देख लेता हूँ, 1 बाय लिख लेता हूँ पावर 10^28, ठीक है, 28 माइनस 19 माइनस 6, तो 28 माइनस 25 और ये होगा 3, ठीक है, 28 माइनस 25 3, तो ये आंसर आएगा कुछ ऐसे 1.21 इंटू 10^-5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ड्रिफ्ट स्पीड निकाली। ये थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े एप्लीकेशंस है एक्स्ट्रा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है इनकी, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब वापस इस क्वेश्चन को एक दो बार देख सकते हो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, एंड आपका अगर ये केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यूनिट हुआ है तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान है। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के लिए।